ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सिद्धानं ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती आयर्यानं ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायानं ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सावनं ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं दायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नायक निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेन तमारा कविते व्यर्थ आप वाती निज मती मपाई में मानी छे ओ राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए जीने स्वर तानी वाणी जानी तेने जानी छे गुरु राज तानी वाणी जानी तेने जानी छे ओम नमः सिद्धेव्यो ओम नमः सिद्धेव्यो ओम श्री शुद्धात्माने नमः जय जिनेन्द्र today is a today is a Monday 13th July 2020 and we are continuing our Atma Siddhi class. इन हमारी आत्मसिद्धि क्लास में हम चतुर्थ चौथी चतुर्थ गाथा पर आए हैं. चतुर्थ गाथा में क्रिया जड़ की बात आती है तो हमने बहुत डिटेल में देखा है. थोड़ा सा पार्ट रह गया है लास्ट टाइम तो वहां से हम चालू करते हैं. आई ब्रिंग द स्लाइड तो वहां से चालू करते हैं. तो पहले हम गाथा देख लेते हैं और बाद में जाएंगे. क्रिया जड़ की बात यहाँ आती है तो क्रिया जड़ में हमने बहुत से पार्ट देख लिए हैं. जहां पर हम रह गए थे उसकी बात हम करते हैं अभी. तो हाँ तो यह कर्म बंध के कारण पर हम आए थे. तो तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि कर्म बंध के पांच कारण हैं और वो पांच कारण से कितने कर्मों का मुझे बंधन होता है वो एक सामान्य रूप से हमको दिखाई दिया यहाँ पर दिखा देता है कि इस तरह से तो नहीं है मगर थोड़ा सा ख्याल आता है कि रिलेटिवली पांच कारण में कौन सा कारण इंपॉर्टेंट है, कौन सा कारण मुख्य है, कौन सा कारण गौण है, वो मेरी समझ में आना चाहिए. तो समझने के लिए यहाँ एक रूपक दिया है कि कर्म बंध के पांच कारण में मिथ्यात्व को करीबन समझो कि 99,999 कर्म का यूनिट का बंधन होता है. देखो छद्मस्त जीव को
जो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, सिद्ध नहीं हो उसको भी छद्मस्तक कह सकते हैं, या तो कोई भी संसारी जीव को भी छद्मस्तक कह सकते हैं। तो यहाँ पर सभी संसारी जीवों को, यानी कि अरियन भगवान तक के जीवों को हम कहेंगे कि उनको कर्मबंध एक एक समय पर होता है। एक एक समय पर कर्मबंध यानी कि क्या? यहां पर जीव के राग द्वेष मोह होते हैं एक समय में, और यहां से कर्म का बंधन होता है। तो ये प्रोसेस एक 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 समय पर छद्मस्थ जीव को चालू है कर्म बंधन की। तो कर्म बंधन के पांच कारण बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषायोग। तो मिथ्यात्व जो है वो मेरा अनादि का मिथ्यात्व है। तो अनादि से मैं एक 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 समय पर मिथ्यात्व का कर्म बंधन कर रहा हूं। मैं तो आराम से शांति से मेडिटेशन में बैठा हूं, तो वहां कर्म के बंधन कैसे हो सकते हैं? अरे भैया, तुझे सम्यक दर्शन हुआ है, जो सम्यक दर्शन हुआ है तो तुझे मिथ्यात्व का कर्म बंधन नहीं होगा। सम्यक दर्शन यानी कि आत्मा की अनुभूति हुई है, तो आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है तो तुझे मिथ्यात्व का कर्म बंधन एक एक समय पर है, सोते समय पर है, मेडिटेशन के समय पर है, भक्ति पूजा के समय पर है, खाने पीने के समय पर है, एक एक समय पर चालू है कर्म बंधन, और मिथ्यात्व का कर्म बंधन चालू है। तो उसको हम 99,999 यूनिट करीबन देते हैं, ये एक एग्जाम्पल के लिए है। मिथ्यात्व क्या है? शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर यानी कि पर के ऊपर, पर के ऊपर एकत्व करना, ममत्व करना, कर्तृत्व करना, भोक्तृत्व मानना, ये सब मिथ्यात्व की अवस्था है। तो मिथ्यात्व में मैंने पर के ऊपर अपना ओनरशिप लिया है, पर के ऊपर अपना ममत्व और एकत्व किया है, ये शरीर मेरा, मैं शरीर को ठीक रख सकता हूँ, मैं शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ, मैं डाइटिंग करके वजन घटा सकता हूँ, खाना खा के वजन बढ़ा सकता हूँ, मैं मेरा डायबिटीज कंट्रोल कर, ऐसी जो मेरी मान्यता है, मान्यता उसको मिथ्या मान्यता कहिए। तो 99,999 बाद में आगे अविरति, अविरति क्या है? अभिरति में 9999 गिनो, एक नौ नंबर कम कर दो। अभिरति में क्या होता है कि जिसको सम्यक दर्शन अभी हुआ है, चतुर्थ गुण स्थानक पर जीव आया है, तो उसने श्रद्धा पर तरफ से स्व तरफ श्रद्धा लाई है। मेरी अनादि से श्रद्धा पर तरफ थी, पर में मेरा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व हो रहा था। अभी मेरी श्रद्धा पर से हटकर स्वतरफ आई है, आत्मा की अनुभूति हुई है, श्रद्धा न आत्मा का हुआ है, तो उसको हम सम्यक दर्शन कहेंगे, आत्म दर्शन कहेंगे, आत्म प्रतीति कहेंगे, शुद्धात्मा की अनुभूति कहेंगे। तभी अभी भी जीव ने कोई चारित्र ग्रहण नहीं किया है, इसलिए उसको अविरत का, विरत यानी कि चारित्र, तो वृत्ति नहीं लिया है। तो क्या जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ उसने व्रत नहीं लिए थे? अरे व्रत तो वो उसका पार्ट एंड पार्शल होगा, मगर जो श्रावक के 12 व्रत शास्त्र में जो बताया है, 5 अणु व्रत है, 3 शिक्षा व्रत है, 4 गुण व्रत है, ऐसे जो 12 व्रत की बात आई है, वो 12 व्रत को संपूर्ण रीत से उसका पालन अभी नहीं हुआ है, यानी कि अहिंसा व्रत, अपचौरी व्रत, ये सब कुछ अभी वो तो व्रत होता है, मगर सम्यक दृष्टि जीव अभी ब्रह्मचर्य नहीं होगा उसका। फॉर एग्जाम्पल, ये उसकी गृहस्थी चालू है, घर संसार चालू है, बिजनेस चालू है, उसका ट्रैवलिंग चालू है,
तो सभी व्रतों का पालन नहीं होता है, इसलिए उसको अविरति सम्यक दर्शन जीव कहा। मैं शरीर से अलग हूं वो मान्यता प्रतीति हो गई, और वो तो जैसे सिद्ध भगवान को प्रतीति है ऐसी ही प्रतीति चतुर्थ गुणस्थानक वाले जीव को होगी कि मैं त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य हूं, मेरी श्रद्धा आत्मा प्रति है, मैं पर से अलग हूं। इस तरह से ये सम्यक दर्शन चालू है, श्रद्धा चालू हो गई है, मगर व्रत नहीं लिए, कंप्लीट 12 बार अणुव्रत नहीं लिए, इसलिए उसको अविरत कहा। 9999 यूनिट का कर्म बंधन। प्रमाद, प्रमाद क्या होता है? आलस जो मुझे होती है, मैं दोपहर को सो जाता हूं, मुझे ये पढ़ने की अच्छा नहीं होती, उसको आलस कहते हैं हम? नहीं, उसको आलस नहीं कहेंगे। यहाँ अध्यात्म में जो प्रमाद कहा है, प्रमाद किसको कहेंगे? छठे गुण स्थानक वाले मुनिराज को, भावलिंगी मुनिराज को, छठे गुण स्थानक वाले भावलिंगी मुनिराज को प्रमत वीरत सम्यक दर्शी जीव कहा है, यानी प्रमादी जीव कहा है। अरे भावलिंगी मुनिराज जो श्रीमद राजचंद्र जी ने उसकी भावना बाई है, जो अपूर्व अवसर में कहा कि ऐसा अपूर्व अवसर कब आए कि मैं भी बाह्य अंतर से भी विरक्त हो जाऊं, ऐसी भावना जो भाई है सम्यकदर्शी जीव ने, तो ऐसे छठे सातवें गुण स्थानक वाले जो मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज है, उनको भी छठे गुण स्थानक पर प्रमाद सहित कहा है। अरे तो यज्ञ साधु महाराज बस सो जाते हैं सारे दिन, खाने पीने की तो चिंता नहीं है, तो बस आराम करो? नहीं, प्रमाद यानी कि अपने आत्मा में रहना, उसका नाम अप्रमत है, और अपने आत्मा की अनुभूति से बाहर आ जाना, उसको प्रमत कहा कि तुझे आत्मा के अंदर, अब अतिंद्रिय आत्मा के अनुभव में तुझे रहना था तो तू प्रमाद करके बाहर आ गया, इसलिए उसको प्रमत विरत गुणस्थानक कहा, छठे गुणस्थानक को। अंतर्मुद रहता है बाद में जीव भावलिंग मुनिराज, सातवें गुणस्थानक पर अप्रमत विरत गुणस्थानक में जाएंगे, छठे गुणस्थानक प्रमत विरत, सातवें गुणस्थानक में अप्रमत विरत। तो ये भावलिंग मुनिराज को भी अभी संज्वलन कषाय और नौ कषाय के कर्म बाकी है, तो करीबन उसको 999 यूनिट के कर्म बंधन रहते हैं, ऐसा हम यहाँ देखते हैं। बाद में आएगा कषाय। कषाय यानी कि क्या है? ये जो मोनी कर्म के 28 प्रकृति है उसको कषाय यहाँ नहीं कहा है। यहाँ तो जो मुनिराज छठे सातवें गुण स्थानक पर है उनको संज्वलन कषाय बाकी है। संज्वलन कषाय यानी कि इतने बारीक कषाय होते हैं कि पानी में लकीर दोरो, आगे लकीर होगी पीछे लकीर बंद हो जाएगी, इस तरह से इतने वीक, इतने कमजोर कषाय होते हैं, तो उससे उनको 99 कर्म यूनिट का बंधन कहा। और बाद में लास्ट में आएगा योग, यानी कि जब सयोगी केवली 13वें गुण स्थानक वाले अरिहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान को 9 यूनिट के कर्म बंधन होते हैं, उसको इरियापथ आश्रव कहते हैं। आप कर्म आते हैं एक समय में और दूसरे समय में निकल जाते हैं, तो वो राग द्वेष रहित होते हैं, तो 9 यूनिट के। अभी उसमें से सीखना क्या है मुझे? तो ये मेरे कर्म बंधन के कारण है, मुझे क्या करना? मेरे पास बहुत कम समय है, अनादि की कंपैरिजन में मेरे पास बहुत कम समय है, चंद समय, 10-15-20-25-30-40 वर्ष है मेरे पास। अरे वो भी मैं तो मानता हूं इतने नहीं है, कल सुबह में भी जीवन का अंत आ सकता है, तो इस तरह से मेरे पास कम समय में मुझे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। बनिए लोग हैं,
व्यापारी लोग है, मेरा बिजनेस कहाँ चलेगा, कहाँ से ज्यादा मुनाफा मिलेगा, वहां पर मैं ध्यान दूंगा। तो मैं ये उसको मिथ्यात्व को निकालने का प्रयत्न करूं, या तो मन वचन काया के योग की प्रवृत्ति से ये योग के कर्म को अटकाने का प्रयत्न करूं, क्या करूं? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रीटी ऑब्वियस है कि तेरे पास जो एक समय है तो एक समय मिथ्यात्व कैसे दूर हो उसका तू प्रयत्न कर। मन वचन काया योग की जो तू प्रवृत्ति है, मैं मेडिटेशन करता हूं, अच्छी बात है, मैं मौन लेता हूं, अच्छी बात है, मैं शरीर से उपवास एकासन प्रतिकम सब अच्छी बात है, मगर यहां मेरा मिथ्यात्व इससे कम हुआ? उपवास करने के टाइम ये सामान्य बात है, कोई सभी जीवों की बात मत लेना, मगर जैसे जनरली होता है कि भी उपवास करने पर अरे आज तो उपवास करना पड़ेगा क्योंकि संवत्सरी है। हमारे फिनिक्स में एक दफा ऐसा हुआ था कि भाई एक भाई सुबह में उठे और बोले कि भाई उनकी वाइफ को बोले भाई आज चाय नहीं बनने के, आज संवत्सरी है, मेरा तो उपवास है। अच्छा ओके, तो इसमें सभी को दो तीन फ्रेंड को फोन किया, सभी के घर में उपवास 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 उपवास। तो बोला कि अरे सारा गांव उपवास करता है तो मैं भी उपवास कर दूंगा, चलो आज चाय छोड़ दूंगा। तो इस तरह से हमारा उपवास नहीं होता है, उपवास तो तू अपने आत्मा के पास जाने का प्रयत्न करता है, इस ऐसी समझ से तू कर। तो इस तरह से योग की प्रवृत्ति तू कर, मगर उसको गौर करके मेरा मिथ्यात्व कम हुआ है ये ख्याल में रखना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्रिया जड़ होता है वो बोलता है अरे मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतने एकासन किए, मैंने इतने आठ अठाई की, कोई उसमें जो मान्यता की बात है, मान्यता क्या है? तेरी शरीर की क्रिया से तेरे आत्मा को लाभ हुआ, ऐसी तेरी मान्यता है? जो ऐसी तेरी मान्यता होगी तो जो स्प्रिंग टाइम पर फॉल में सांप और स्क्विरल वो हाइबरनेशन में जाएंगे, ठंडी चालू होगी और 6 महीने तक अंडरग्राउंड रहेंगे, निर्जल उपवास होगा, नहीं खाना नहीं पीना, 6 महीने के बाद में स्प्रिंग टाइम में बाहर आएंगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या हमको उनका जो बहुत शोभा यात्रा निकालना पड़ेगा कि नहीं? 6 महीने का निर्जल उपवास करके निकले हैं, नहीं उसको नहीं। तो ये तो समझ, तू संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य है तो तू समझ कि इसमें कहां पर तेरा श्रेय है, वो इतना जानकर तेरी सभी क्रिया को मेरे मिथ्यात्व किस तरह से कम हो सकता है? व्रत से हो सकता है, अप्रमत्त से होता है, कषाय कम होने से, जिस तरह से मेरा मिथ्यात्व कम हो सकता है उस तरह मेरा मुझे ये प्रयत्न करना पड़ेगा। इस तरह से कर्म बंध के कारण से हमने दिखा कि जो क्रिया जड़ है, जो क्रिया में ही धर्म मानता है, तो उसको यहाँ आचार्य भगवान बताते हैं कि तू समझ क्रिया की हम ना नहीं कहते हैं, मगर तू क्रिया कौन सा ध्येय से करता है वो समझना पड़ेगा। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं, तो अभी आगे क्या होता है? बाह्य क्रिया मा रास्त अंतर्मुख ज्ञान मार्ग निषेधता, तीसरा चरण आया ज्ञान मार्ग निषेधता। तो ते क्रिया ज्ञान मार्ग निषेधता यानी कि क्या? ज्ञान मार्ग मोक्ष मार्ग है। किस तरह से ज्ञान मार्ग मोक्ष मार्ग बता दिया आपने? क्योंकि तू संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य है, तेरे पास अब शंगना है, दीर्घकाली की शंगना है, अच्छा बुरा क्या है वो सोचने की तेरे में ताकत है। इस तरह से जब तू तेरे पास ये ज्ञान खिला है, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ा है तेरे पास, यानी कि ज्ञान का एक्सप्रेशन बढ़ा है तेरे पास,
तो तू ज्ञान से मैं कौन हूं कौन छू क्या थी सयो सु स्वरूप छे मारू खरु। तो श्रीमद जी ने बताया है कि भी तू कौन है, मैं कौन हूं, वो सोच ज्ञान मार्ग से तू इतना तय कर कि मैं कौन हूं। जब तू तय करेगा, एक क्वेश्चन आया है कि संज्ञा और असंज्ञा पंच, संज्ञा और असंज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा यानी कि मन सहित जो जीव होते उसको संज्ञा कहा, वो पंचेंद्रिय में ही होता है। तो उसको एक 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 इंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक और असंज्ञा पंचेंद्रिय तक मन मन का माध्यम नहीं होता है, मन इतना कम होता है, यानी कि द्रव्य मन इतना कम होता है कि नहीं वत होता है। तो उसको नहीं समान बताया गया है, तो उसको तात्कालिक की संज्ञा होती है, यानी कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, मेरा फायदा है कि नुकसान है, वो ही जीव सोच सकता है। तितली देखेगी कि प्रकाश है, दिया का प्रकाश है, मुझे अच्छा लगता है, जाती है, जल जाती है। दूसरी तितली ने देखा, वो भी जाएगी, वो जल जाएगी। मगर जो तुम मनुष्य संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य होगा, मन सहित होगा, तो तूने देखा है, तूने देखा कि ये अग्नि में हाथ डालने से मेरी अंगुली जलेगी। वो जो तूने एक दफा प्रयत्न कर दिया, तो सारी जिंदगी तू वो अग्नि में हाथ डालने का प्रयत्न नहीं करेगा। उसको दीर्घकालिक की संज्ञा कही है, यानी कि भूत और भविष्य का सोचकर तू कार्य करता है, तो दीर्घकालिक की संज्ञा कही है। और बाद में आएगी सम्यक संज्ञा, जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, उसकी संज्ञा, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ असंगनी संगनी संगनी जीव की बात आती है। तो आगे देखते हैं, या ओके, तो ये ज्ञान मार्ग क्या है? तो ज्ञान मार्ग से मैं कौन हूं, मैंने जिज्ञासा बढ़ी है, अभी मैं जिज्ञासु जीव हुआ हूं, कुछ तो मुझे करना चाहिए। देखो 24 से 24 तीर्थंकर भगवान, वो राजकुमार थे जिसके पास सभी था, जितनी फैसिलिटी चाहिए उससे भी ज्यादा था उनके पास, फिर भी वो सब छोड़ के नग्न दिगंबर होके वन में चले गए और वो मुनिराज हो गए। तो ये क्यों, कहा तो बाहर की भौतिक भौतिक फैसिलिटी उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसी मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ी है, अभी जिज्ञासा बढ़ के मैं ज्ञान करता हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, नित्यता क्या है, अनित्यता क्या है, वो सब जब मैं ज्ञान से जानता हूं, तब मेरे आत्मा की सच्ची बात मुझे ख्याल में आती है। तो अभी जो मुझे रास्ता मिल गया, तो वो रास्ता पर चलने का अभी मैं प्रयत्न करूंगा। जो द्रव्य गुण पर्याय सहित आत्मा है ऐसा मुझे ख्याल में आ गया है, तो वो आत्मा की मैं पूजा करूंगा, यानी कि वहां कैसे जा सकता हूं उसका मैं प्रयत्न करूंगा, यानी कि उसका मैं सोच मेरी वो ही चलती रहेगी, वो ही सोच दिन रात वो ही चलती रहेगी, और जो शरीर के प्रति मेरा ममत्व है वो अभी कम होता जाएगा। विकल्पात्मक अवस्था में, विचार की अवस्था में मैं आत्मा हूं, शरीर में नहीं हूं, इस तरह से जो रटन करता है, समझता है, तो अभी वो विकल्पात्मक अवस्था में अपना ज्ञान कर देता है और यथार्थ तत्व निर्णय करता है कि यथार्थ तत्व निर्णय, तत्व क्या है, मैं कौन हूं, उसका यथार्थ निर्णय कर दिया, और उसका भी घोलन 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 चालू है। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एक एग्जाम्पल देते, लिंडी पीपर का एग्जाम्पल देते थे,
लिंडी पीपल को ऐसे अब चूसो तो पहले तो काला रंग की होती है और उसको खाली चूसो, दूसरा कुछ नहीं, सकिंग करो तो फ्लैट टेस्ट आएगा उसका, उसमें टेस्ट नहीं है। मगर वो लिंडी पीपल को दस्ता लेकर उसको अभी घूटो और उसमें से ब्लैक कलर में से ग्रीन कलर आएगा और जो फ्लैट टेस्ट था उसकी जगह पर ये गुरुदेव जी के शब्द है 64 पौरी तिखास आएगी। अभी नए जन्मे हुए को तो मालूम है 64 पौरी क्या होती है, जब जब जो ओल्डन टाइम वाले को मालूम हो गया 64 पौरी यानी कि 1 रुपये की 64 पाई आती थी, 1 रुपया मीन्स 100%, 64 पाई यानी कि 64 पौरी यानी कि संपूर्ण तिखास उसमें से निकलती है, जो फ्लैट टेस्ट वाली थी उसमें से संपूर्ण तिखास आती है, जो काला कलर की थी उसमें से ग्रीन कलर आया है क्योंकि उसमें भरा पड़ा हुआ था, मैं भी आत्मा हूं, ज्ञान से भरपूर हूं, वहां पर मैं जाकर देख लू, आनंद अनुभूति कर लू तो मुझे भी 64 पौरी आत्मा की अनुभूति होने वाली है। कि ये ज्ञान मार्ग मोक्ष मार्ग है, ज्ञान मार्ग मुझे श्रद्धा की पर की श्रद्धा छुड़ाकर मुझे अपनी श्रद्धा तरफ लाएगा, इसलिए ज्ञान मार्ग मोक्ष मार्ग कहा है। अभी आगे बढ़ते हैं, वो तो ये जीव तो उसकी निंदा, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये क्यों, ये सब कुछ क्या झमेला बना दिया है आप लोगों ने, तो ये द्रव्य क्या है, गुण क्या है, 6 द्रव्य है, अनंत गुण है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये हेडेक है मेरे लिए। उसकी निंदा करता है, जो ज्ञान मार्ग से तू मोक्ष मार्ग पाने वाला है उसकी तो तू निंदा करता है, बोलता है कि आत्मा आत्मा बोलने से मोक्ष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया, वो अच्छी बात है, ये पॉइंट अच्छा है, आत्मा आत्मा बोलने से मोक्ष नहीं होगा, मगर आत्मा आत्मा जो तू बोलेगा तो एक दिन आत्मा की अनुभूति की तरफ आएगा तू, तो आत्मा आत्मा बोलने से मोक्ष नहीं होगा, इस तरह से जो तू कहता है उसमें तो तू आत्मा आत्मा बोल दिया। प्रहलाद का एक एग्जाम्पल आता है शास्त्र में, प्रहलाद भगवान को विष्णु को मानता था, कोई भी मुझे एग्जैक्ट कौन सा भगवान था, भगवान भगवान मानता था, भगवान जो मानता था, उसके पिता ने बोला कि तू भगवान का नाम छोड़ दे, मुझे बहुत तकलीफ होता है, मुझे बहुत क्रोध आता है, तो ये बच्चा बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बहुत समझाया, शाम दाम भेद डन सब कुछ किया मगर ये बोलने का छोड़ता नहीं है। तभी अभी पिताजी ने डिसाइड किया कि उसको अभी कोड़ा मारेंगे, भगवान का बोलना छोड़ दे एक कोड़ा, तो बालक हंसता है, दूसरा कोड़ा, भगवान का नाम बोलना छोड़ दे, हंसता है, तीसरा कोड़ा, तो अभी उसके पिताजी ने, अरे मैं तुझे कोड़ा मारता तू हंसता क्यों है, अरे पिताजी आप जब मुझे कोड़ा मारते हो तो आप बोलते कि भगवान का नाम मत बोला, इस तरह से आप भगवान का नाम तो बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत आनंद होता है, इस तरह से यहां तो आत्मा आत्मा बोलने से मोक्ष नहीं होगा, अरे तू आत्मा तो बोला है ना तो तेरा आत्मा में तू अंदर जाएगा, तो इस तरह से ज्ञान मार्गी बोलता है कि तू चिंता मत कर, तू भी अंदर आ सकता है, इसलिए क्रिया तो करना ही पड़ेगा, ऐसा क्रिया जड़ मानता है, कुछ तो करना पड़ेगा, तो शास्त्र में कहा है कि करना यानी कि मरना, तू किसका क्या करेगा, पर का तो कुछ तू कर नहीं सकता है, पर वस्तु अलग है, पर वस्तु अपना कार्य करता है, तू अपना कार्य करता है, सभी द्रव्यों में 6 द्रव्य जो है, जीव पुद्गल धर्मस्थिका अधर्मस्थिका आकाश और काल, सभी द्रव्यों में एक सामान्य गुण है, अनंता गुण में से एक सामान्य गुण है, उसका नाम है द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण के कारण सभी द्रव्यों में अपने अपने का अपने कारण से पर्याय उत्पन्न करने का एक कार्य होता रहता है,
सभी द्रव्यों में वस्तुत्व नाम का एक सामान्य गुण है, यानी कि सभी द्रव्यों में जो कुछ एक एक समय पर पर्याय होती है तो वस्तुत्व गुण के कारण अर्थ क्रियाभूत पर्याय होगी, जीव ज्ञान का ही कार्य करेगा, श्रद्धा का कार्य करेगा, चारित्र का कार्य करेगा, सुख का कार्य करेगा, वीर्य गुण का कार्य करेगा, पुरुषार्थ का कार्य करेगा। पुद्गल को उसकी अर्थ क्रियाभूत क्रिया क्या होगी, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि होगा। धर्मास्तिकाई की गति लायक पदार्थों में निमित होना, अधर्मास्तिकाई को गति लायक पदार्थों में निमित स्थिति करने में निमित होना। इस तरह से छह द्रव्य अपना कार्य करते हैं। तो सभी द्रव्य अपना कार्य करते हैं तो मैं पर का क्या कर सकता हूं भैया? यहां तो बोलता है कि क्रिया यानी किसकी क्रिया, शरीर की क्रिया। तू बोलता शरीर अपना कार्य करता है तो तू क्या करेगा, तू तो जीव है, तू कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा समझना पड़ेगा। तो इस तरह बोलता कि ज्ञान पे अगर क्रिया करना पड़ेगा तो ये ज्ञान की झंझट से छूटो। अरे ज्ञान तो तेरा मूलभूत स्वभाव है, निगोद में भी एक समय पर अनंत के अक्षर में भाग का ज्ञान है, मगर फिर भी वहां ज्ञान होता है। और सिद्ध भगवान को एक एक समय पर तीन लोक और तीन काल का ज्ञान होता रहता है, और इन बिटवीन सभी जीवों में ज्ञान एक एक समय पर होता रहता है, और तू बोलता है ज्ञान की झंझट से छूट जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान की झंझट नहीं है, ज्ञान तो तेरा मूलभूत स्वभाव है। तो इस तरह से यहां ज्ञान की बात आई। अज्ञानी न्याय मार्ग का विरोध दिखाता है, इस तरह से ऊपर की सभी बुलेट से अज्ञानी ने विरोध दिखाया है कि भाई ज्ञान मार्ग है वो मैं निषेध करता हूं, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, डिफिकल्ट लगता है। और कभी कभी कोई जगह शास्त्र में ऐसा आता है ज्ञान मार्ग डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट किसके लिए, जिसको प्रयत्न नहीं करना है इसके लिए डिफिकल्ट है। तू इम्पॉसिबल बोलेगा, इम्पॉसिबल का स्पेलिंग कर दे तो पहले आएगा IMPOSSIBLE, तो IMPOSSIBLE आएगा। तू इम्पॉसिबल बोलता है उसमें भी पॉसिबिलिटी है कार्य होने की। तो इस तरह से तू अपना ख्याल थोड़ा सा आगे बढ़ा, ज्ञान मार्ग की निषेधता मत कर, तो तेरा कार्य होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सत्य लक्ष्य होने के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है, जिसलिए जिसे मैं बताया अभी बता दिया। क्रिया जड़ जीव ज्ञान मार्ग को निषेधता है, उसे मालूम नहीं कि ज्ञान मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग है। तुझे ज्ञान मार्ग से ही आत्मा की अनुभूति होगी। यहाँ जो ज्ञान मार्ग की बात आती है तो एक मुझे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मालूम पड़ता याद आता है, जो रमण भाई शाह करके वो बहुत विद्वान थे, तो उन्होंने एक दफा एक जगह पर प्रवचन दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि एक प्रोफेसर थे, ज्ञान मार्ग के प्रोफेसर थे, क्लास में आए सभी बच्चों को पढ़ाने के बाद में एट द एंड बोर्ड पर लिख दिया सोहम, मैं ही आत्मा हूं सोहम। और बच्चों को बोला कि देखो ये कोई भी इरेज मत करे, इतना ही मुझे मेरी आपकी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। अच्छा, तो दूसरा जो एग्जाम दूसरा क्लास वाले थे वो भक्ति मार्ग वाले प्रोफेसर आए, बोला ये क्या है, ये क्या है, ये सोहम सोहम क्या है, हम नहीं मानते। इरेज करने के बोले, बच्चन बोले इरेज मत करना, नहीं ना बोला है। अच्छा, इरेज का ना बोला है मगर मैं कुछ लिख सकता हूं, तो क्या वो उसका इंस्ट्रक्शन तो नहीं है मगर लिखो लगता था। तो उन्होंने लिखा दासोहम, हम तो आत्मा के दास है। बोला कि कोई भी किसी को भी बोलो उसको इरेज मत करे। अच्छा,
वो ज्ञान मार्ग वाले आए, बोला अरे ये क्या है, दासो हम दासो हम, ये तो ये भक्ति भक्ति मार्ग के ये नहीं चलेगा, इरेज नहीं करने का, लिख सकता हूं हाँ। उसने लिखा सदा सोहम, मैं सदा आत्मा का, सदा ही मैं आत्मा हूं, नित्य आत्मा हूं। भक्ति मार्ग वाले आए, उसने लिखा दासो दासो हम, हमें दास के भी दास है। तो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग एक साइड की, एक दो, एक सिक्के की दो बाजू है। तो तू ज्ञान मार्ग को निषेध क्यों करता है? तू भक्ति मार्ग में है, क्रिया मार्ग में है, तो ज्ञान साथ में चलता है। तो ज्ञान क्रिया भया मोक्ष जो हमने आगे दिखा था, तो ज्ञान यानी कि आत्मा का ज्ञान और क्रिया यानी कि उसमें रमणता करना, वो मोक्ष मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग सच्चे क्या है उसको तुझे मालूम नहीं है। अज्ञानता से आराधना नहीं होती है क्योंकि तुझे आत्मा की आराधना का ख्याल नहीं आया है, इसलिए तेरे लिए परमार्थ मार्ग दूर हो गया है। आचार्य भगवान हमको समझाते हैं, श्रीमद जी हमको समझाते हैं कि भाई तू आप ज्ञान मार्ग से दूर मत हो जाना। पवित्र निर्मल ज्ञान मार्ग परमार्थ ही जीव को अत्यंत पावनकारी है, जो हमने अभी 5 मिनट पहले बताया, समझ लिया कि ज्ञान मार्ग से ही आत्मा का स्वरूप मालूम पड़ता है। आत्मा का स्वरूप मालूम पड़ने से ये ही मेरा श्रेय है, ऐसी मेरी यथार्थ तत्व निर्णय होता है, और यथार्थ तत्व निर्णय में मेरा गोलन अभी ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, गहन गोलन हो जाता है। और अभी इतना गहन गोलन हो गया कि मैं ही आत्मा हूं, तो ये अभी विकल्प भी शांत होते जाएंगे स्लोली। विकल्प शांत होते होते एक धन्य पल पर तू निर्विकल्प अवस्था में जाएगा, जिसका नाम सम्यक दर्शन, जिसका नाम अनुभूति, जिसका नाम आत्मानुभूति। तो ये तेरे ज्ञान मार्ग से तुझे हुआ है। तू आत्मा है, उसका गोलन तू करता रहता है, करता रहता है, करता। मगर देखो, मैं सुबह में उठा, मैंने मिरर के पास जाके देखकर बोला अरे प्रतिबिंब जो आता है ना वो किरीट है, भूलना मत आज के दिन के लिए। मैंने किया क्या? आपने नहीं किया आज? तो आप हंसते हैं कि अरे भैया तू किरीट भाई, आपका स्क्रू ढीला हो गया है, क्योंकि आप किरीट हो, वो तो प्रतीति आपको चालू है कंटिन्यू। नींद में भी कोई नाम बोलेगा तो मैं ही खड़ा हो जाऊंगा। 50 आदमी का ग्रुप है, उसमें कोई किरीट बोलेगा मैं ही बोलूंगा हाँ मैं यहाँ पर हूं। तो ये मेरी प्रतीति है क्योंकि ये मेरा स्वरूप है। तो तू आत्मा है तो तुझे याद करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। नहीं, तत्व निर्णय हो गया, गोलन हो गया, तो अभी गोलन से भी तत्व तेरे तेरी प्रक्रिया शांत होती जाएगी, विकल्प शांत होते जाएंगे और आत्मा की अनुभूति हो गई, वो तेरा सम्यक दर्शन। बाद में तेरी प्रतीति चालू रहेगी, कुछ भी तू कार्य करेगा मैं आत्मा हूं वो प्रतीति चालू रहेगी, मैं किरीट हूं वो मेरी प्रतीति सारा दिन चालू रहती है। इस तरह से मैं आत्मा हूं वो प्रतीति चालू रहेगी तेरे लिए। ऐसे मार्ग का अज्ञानी निषेध करता है, विराधना करता है। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है जिसके लिए मेरी मेरा मिथ्यात्व चालू है। 99,999 कर्म का यूनिट बंधन मेरा चालू है एक एक समय पर, क्योंकि मैं ज्ञान का अज्ञान से ज्ञान का विराधना करता हूं। वो मानता है कि ज्ञान मार्ग कठिन है, नहीं, तू अपना उसकी तरफ दृष्टि का कोई कठिन नहीं, कठिन का कोई नहीं है। तो श्रीमद जी ने पत्रांक 422 में कहा है, बहुत अच्छा कहा है, ये सब जो हमने बताया वो एक एक, एक, एक पैराग्राफ में सब कुछ बता दिया। जो जीव शुष्क ज्ञानी की क्रिया, शुष्क क्रिया की प्रधानता में मोक्ष मार्ग की कल्पना करता है, ये श्रीमद जी के शब्द है,
उन जीवों को तथारूप उपदेश का आधार भी रहा करता है। इस तरह से उपदेश देने वाले भी उसको मिल जाते हैं। इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतना क्यों, क्या करूं, क्या करूं। ज्ञान दर्शन चारित्र तप इस तरह चार तरह से मोक्ष मार्ग कहने कहे जाने पर भी पहले दो पद को तो विस्तृत विस्मृत तुल्य ही होता है, यानी कि ज्ञान दर्शन वो मेरी समझ के बाहर है, वो उसको निकाल दो। चारित्र तप की बात करो तो चारित्र शब्द का तो अर्थ वेश तथा केवल बाह्य वृत्ति में ही समझे हुए समान होते हैं। मैंने कपड़े छोड़ दिए, मैं नग्न दिगंबर हो गया, तो क्या तू भावलिंगी मुनिराज हो गया? और पूर्व अवसर में श्रीमद जी ने नवमी गाथा में कहा है, नग्न भाव मुंड भाव, नग्न भाव मुंड भाव सह अस्नानता अदन धोवन आदि परम प्रसिद्ध छे केश रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं द्रव्य भाव संयममय निर्ग्रंथ। द्रव्य से भी निर्ग्रंथता और भाव से भी निर्ग्रंथता। तो ये जो चारित्र की बात आई तो उसमें सिर्फ कपड़े निकाल दिया वो नहीं है, केवल वेश और केवल बाह्य वृत्ति में समझे हुए समान होता है वो नहीं है, तथा तप का अर्थ केवल उपवास आदि व्रत करना करना भी केवल बाह्य संज्ञा में ही समझते हुए समझता है। तो चारों गत ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ज्ञान दर्शन तो मालूम नहीं है मुझे, चारित्र बस कुछ कुछ करो कुछ करो और तप कुछ करो, तो ये तेरी बात तो ये उसको श्रीमद जी को पेन होता है। क्या कहते हैं, तथा यदि कभी दर्शन ज्ञान दर्शन पद कहने भी पड़ जाए तो वहां तो लौकिक कथन के समान भावों को कथनों को ज्ञान और उसकी प्रतीति अथवा उसके कहने वाली की प्रतीति ही दर्शन शब्द का अर्थ समझे हुए समान रखता है। यानी कि ज्ञान दर्शन का शब्द जो ज्ञान, बस मैंने मुझे छह द्रव्य है, नौ तत्व है, मुझे मुखपाठ हो गया, मुझे आत्मसिद्धि मुखपाठ हो गई, उसको ज्ञान नहीं कहा है। वो तो तुझे ये तो तेरी धारणा ज्ञान में मति ज्ञान में हुआ है, मगर वो ज्ञान का भी घोलन करके जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत जितनी बात वहां पर बताई है वो बात को गहराई से तू सोच, एक एक गाथा पर तू बैठ जा समझने का प्रयत्न कर, तो उसको ज्ञान कहा है। इस तरह से श्रीमद जी ने भी शुष्क क्रिया का निषेध किया है। ज्ञान मार्ग मोक्ष मार्ग है, उसकी निंदा करता है। आत्मा आत्मा बोलने से मोक्ष नहीं होता, इसलिए क्रिया तो नहीं, तो ये आसब आ गया। तो इस गाथा में कहा है कि क्रिया जड़ के लक्षण बताए हैं, क्रिया जड़ कौन होता है उसकी बात बताई, उन सबको दूर करने का गर्भित उपदेश भी दे दिया है। देखो एक क्रिया जड़ की बात बताकर श्रीमद जी का उसका अर्थ क्या था, उनका उपदेश देने का अर्थ कि भाई उससे तू दूर हो जा। यहां ये पानी में जहर है जहर है जहर है, ऐसा तूने सोच लिया समझ सुन लिया तो अभी उपदेश के जो सोचा तो अभी उसको छोड़ने की बात है। सुना बस इतना नहीं है, उसके सुनने के बाद में अनुभूति में लेना कि उसको पानी को छोड़ देना, वो उपदेश गर्भित उपदेश आ। कहा है कि बाह्य क्रिया से मोक्ष नहीं है, परंपरा से भी मोक्ष, देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, परंपरा से भी मोक्ष नहीं है। बहुत से लोग की मान्यता है कि शरीर की क्रिया करो बाह्य क्रिया करो तो परंपरा से आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शरीर की क्रिया तूने करी है, बाह्य क्रिया करी है, वो भी बिना मान कषाय के तूने ये क्रिया करी है, तो कुछ तुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य का बंधन होगा,
मगर मैंने जो क्रिया करी है उसमें मैंने मान कसा लगाया है कि आज मेरे समाज में फिनिक्स के समाज में बोलेंगे, अरे किरीट मैंने 8 दिन का उपवास किया है उसका, चलो अभी शोभा यात्रा निकाले, अरे कितनी आनंद आएगा। तो ये तुम मान कषाय के लिए करता है तो तुझे पुण्य का बंधन भी नहीं होता है, क्योंकि मान कषाय का बंधन तुझे हो गया तो तुझे पुण्य मिलेगा। पुण्य से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुझे तुझे सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस मिलेंगे तुझे, मगर उससे तेरा अंदर आत्मा का कुछ होने वाला नहीं है। तो परंपरा से भी मोक्ष नहीं है ऐसा बताया है। अंतर्भेद जागृति हुई तो आत्मज्ञान होता है और मोक्ष होता है। अंतर जागृति, अंतर्भेद जागृति, भेद ज्ञान की बात बताई है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। ऐसा भेद ज्ञान करेगा तो तुझे आत्मज्ञान होगा और तू मोक्ष के राह पर आएगा और मोक्ष तेरा जरूर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इस गाथा का अंत होता है। तो यहाँ पर कोई प्रश्न है तो हम लेते हैं, नहीं तो हम आगे गाथा पर चलते हैं। या तो इफ यू कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो यू कैन राइट डाउन आल्सो, आई आंसर द क्वेश्चंस। तो मीनवाइल में दूसरी गाथा लाने का प्रयत्न करता हूँ। पांचवी गाथा पर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, आत्मश्री गाथा पांच। गाथा चार में अभी जो हमने गाथा चार समाप्त करी उसमें क्या बताया? उसमें कहा गया था कि क्रिया पक्ष को एकांत से पकड़ने वाले जीवों का वर्णन था। एकांत अनेकांत की बात हमने कर दी है फिर से, कि एकांत जब तू एक पक्ष लेता है, रियलिटी जो होती है, तत्व होता है, पदार्थ होता है, तो उसमें बहुत धर्म होते हैं, बहुत अंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किरीट हूं, किसका किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का भाई हूं, किसी का बहन हूं, किसी का साला हूं, इस तरह से मेरी मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है। इसमें से हम एकांत ही पकड़ लेंगे, मैं पुत्र ही हूं, तो मेरा बेटा मुझे क्या पुत्र कहेगा? मैं पुत्र ही हूं, बस बस पुत्र 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 हूं, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो मेरे पिताजी मुझे पुत्र कहेंगे, मगर मेरी पत्नी पर मुझे पुत्र कहेगी, बेटा भी पुत्र कहेगा, ग्रैंडचाइल्ड भी पुत्र मुझे कहेगा। तो एकांत पक्ष जो पकड़ लिया, तो क्रिया पक्ष से ही मोक्ष मिलता है ऐसा जो जानता है, ऐसा मानता है, इस तरह से बिहेव करता है, वो ऐसे जीवों का यहां वर्णन किया था। तो ये चतुर्थ गाथा में तो ज्ञान मार्ग वाले बहुत खुश हो गए कि देखो कितनी पिटाई हुई क्रिया वाले की। तो सीमत जी ने बोला, अच्छा बेटा अभी तेरा भी टर्न आता है, देखो क्या होता है। इस गाथा में बताया है, मैं ज्ञान पक्ष को एकांत से पकड़ने वाला शुष्क ज्ञानी की बात कही जाती है। यहां पांचवी गाथा में ज्ञान पक्ष को एकांत करके जो बैठा है, ज्ञान से ही होता है, ज्ञान से होता है, ज्ञान से होता है, तो उसको उसकी बात करके बताया कि तू शुष्क ज्ञानी हो तो नहीं गया है, ज्ञान की बात बराबर है, मगर तू ज्ञान को पकड़कर सब सब दूसरी सब कुछ बात भूल गया है क्या? शुष्क ज्ञानी जीव मात्र शास्त्र पढ़ने में और चर्चा करने में और शास्त्र को मुखपाठ करने में सच्चा पुरुषार्थ मानते हैं। मुझे तो कोई भी समय सार की गाथा दे दो, मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूँ, मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, मैं चर्चा कर सकता हूँ, मुझे मुखपाठ हो गया है। तो उसको सच्चा पुरुषार्थ शुष्क ज्ञानी मानता है।
मगर वो तो तेरा धारणा ज्ञान है, वो मति शुद्ध ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान है। आगे की बात करेंगे उसकी, अभी तो इसकी प्रील्यूड देते हैं। सम्यक समझ पूर्वक सत साधन सेवन करके उपयोग को अंतर्मुख करने का पुरुषार्थ नहीं करता है, ज्ञान करता है। ज्ञान करता है, छह द्रव्य नौ तत्वों का ज्ञान किया है, चर्चा करता है, शास्त्र मुखपाठ किया है। क्या तूने मुखपाठ किया है? मुझे आत्मसिद्धि की 142 गाथा मुखपाठ है। अरे मुझे तो नमोकार मंत्र से आगे कुछ नहीं आता है, और आपको इतना 142 स्टांजा मुखपाठ है। तो ऐसा ज्ञान तो मैंने अनंत बार किया है, मगर अंतर्मुखता का मैंने पुरुषार्थ नहीं करा है। वो ज्ञान को अप्लाइड नहीं किया है कि ये ज्ञान की वैल्यू क्या है। बच्चे को पिताजी ने बोला कि पानी लाओ, हाँ वो वीडियो खेल रहा था, हाँ 3 मिनट के बाद बेटा पानी लाओ, हाँ 5 मिनट के बाद पिताजी सुनता नहीं है, मैं कब से कह रहा हूं पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। बच्चा बोलता है पिताजी पिताजी शांत हो जाइए, आपने 3 दफा बोला, पहली दफा धीरे से बोला, दूसरी दफा फॉर्मली बोला, तीसरी दफा अभी गुस्से में बोल रहे हो, तो ये मैंने सुना है सब कुछ। तो क्या ये बच्चा ने सुना था? जैसे पिताजी ने बोला वो ही बात उसने बताई, तो क्या उसने सच्ची बात सुनी थी? नहीं सुनी, क्योंकि उसने उसका अंतर्मुखता का पुरुषार्थ नहीं किया। पानी नहीं लाया तो वो सुनी अनसुनी हो गई। तो इस तरह से ये जो शुष्क ज्ञानी है, वो जो धारणा ज्ञान में सब कुछ जानता है, मगर अभी मुझे क्या करना है वो उसकी समझ में नहीं आता है, और वो आगे नहीं बढ़ता है, शुष्क ज्ञान में ही अपना कृतकृत्यता मान जाता है। तो ऐसे जीव की यहाँ बात करते हैं। तो अब गाथा पढ़ते हैं। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है। बंद मोक्ष वो कल्पना ही है, वो वाणी में बोलता ही रहता है और मोहावेश में वर्तता है, उसको हम यहाँ शुष्क ज्ञानी कहते हैं, ऐसा श्रीमद जी ने यहाँ दर्शाया है। तो किस तरह से आगे बात आते हैं देखते हैं। गाथार्थ क्या होता है? गाथार्थ में बंध और मोक्ष मात्र कल्पना है, ऐसे निश्चय वाक्य मात्र वचन में ही बोलता है। अरे कोई बंध नहीं है, मोक्ष नहीं है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखधाम है, उसमें कोई बंध होता नहीं है, कोई मोक्ष होता नहीं है, ऐसे निश्चय वाक्य को वचन में बोलता रहता है। और वो सच्ची बात है कि आत्मा त्रिकाली शुद्ध आत्मा में कोई बंध की पर्याय नहीं है, कोई मोक्ष की पर्याय नहीं है, बराबर है, ऐसे वो निश्चय वाक्य है। मगर वो व्यवहार कहाँ गया तेरा? वो तो तू बात मात्र बोलने में ही हो गया। तो ऐसे कैसेट रिकॉर्डर भी बोल सकता है कंटिन्यूअसली, ये 5वीं गाथा कैसेट रिकॉर्डर को रख दो, सुबह से शाम तक कॉन्स्टेंटली बोलती रहेगी। हम सिंगापुर गए थे एक दफा, विभूति और मैं, हम दोनों गए थे, और हमारे एक मित्र के घर पर रहे थे। तो उनका फ्लैट में करीबन 6th floor और whatever, तो उनका एक ही फ्लैट है वो फ्लोर पर। जब हम एलिवेटर से बाहर निकलते हैं, एलिवेटर का डोर खुलता है, तो वहाँ उनके डोर पर जाने के पहले नमोकार मंत्र का वो कैसेट चलता रहता है कॉन्स्टेंट, ओम नमो ओरियंताम नमो सर्व। तो क्या वो कैसेट का मोक्ष हो जाएगा? 24 घंटे वो कैसेट बोलती रहेगी नमोकार मंत्र, तो कैसेट का मोक्ष आ जाएगा?
और ऐसी दशा तो हुई ही नहीं है और मोह के प्रभाव में वर्तता है। मंद मोक्ष कल्पना है, हाँ सच्ची बात है, वो निश्चय का वाक्य है, मगर ऐसी तेरे निश्चय की आत्मा की अनुभूति तो नहीं हुई है और मोह के प्रभाव में वर्तता है। खाना क्या, पीना का, कब खाना कब पीना, क्या अभक्ष क्या भक्ष के, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं बोलता हूँ बंद और मोक्ष मात्र कल्पना है, बस आत्मा त्रिकाली शुद्ध आत्मा द्रव्य है, और इस तरह से मैं मोह दशा में प्रवर्त रहा हूं। ऐसे जीवों को यहां शुष्क ज्ञानी कहा गया है। तुझे ज्ञान है मगर ज्ञान के बाद में तुझे अनुभूति की तरफ जाना है, वो तुझे नहीं किया है, तो ये शुष्क ज्ञान हो गया। शुष्क ज्ञानी राग द्वेष कषाय भाव में रहता है, तू कषाय भाव में रहता है, क्रोध मान माया लोभ में रहता है, राग में रहता है, द्वेष में रहता है, सारा दिन वही करता है, और मात्र वाणी में कहते कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, बंद मोक्ष नहीं है। तो हाँ, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा त्रिकाली शुद्ध है, आत्मा अभेद है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें जो पर्याय है उसमें बंध है, पर्याय में मोक्ष है, वो पर्याय का स्वरूप आत्मा में नहीं है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा द्रव्य में पर्याय गौण हो जाती है, ऐसा मैं बोलता हूं, मगर मेरी परिणति में तो राग द्वेष कषाय भाव ही चालू रहते हैं। मैं किसी की निंदा करने में पीछे नहीं पड़ता हूं, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो सारा दिन क्रिया करता रहता है, कुछ ज्ञान उसके मालूम, उसके पास ज्ञान नहीं है, इस तरह से ये मैं अपने कषाय भाव में रहता हूँ और त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य का मैं वर्णन करता रहता हूँ, तो ये मेरी भूल है। इसमें एक क्वेश्चन आया कि बंध का अर्थ क्या है। बंध का अर्थ यह होता है कि जब जीव, देखो हमने बताया ना कि हर एक द्रव्य में एक एक समय पर पर्याय होती रहती है, पर्याय होती रहती है यानी कि परिणमन होता रहता है। जैसे समुद्र है, वो समुद्र शांत है, मगर समुद्र के किनारे पर आप बैठे हो तो वो वेव्स आते जाएंगे, बड़ा वेव छोटा वेव सब कुछ वेव्स कंटिन्यूस आते रहते हैं। इस तरह से आत्मा में एक एक समय पर पर्याय परिणमन होता रहता है। ये मेरी किताब पुरानी हो गई। किस तरह से मुझे मालूम है कि किताब पुरानी हो गई? इस पुरानी लगती है। कब हुई? जिस दिन से मैंने किताब ली थी उस दिन से पुराना होना, वो पर्याय परिणमन चालू था। हम किसी बच्चे को देखते हैं, आज देखा न्यूबॉर्न चाइल्ड को देखा और दो महीने के बाद अरे कितना बड़ा हो गया, अरे ये तो एक एक समय पर बड़ा होता था, अभी तूने देखा है, मगर उसका बड़ा होना एक एक समय पर चालू था। इस तरह से आत्मा में सभी द्रव्यों में एक एक समय पर परिणमन होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं, वो परिणमन होता है उसको पर्याय कहते हैं, और जब वो मिथ्यात्व में होता है, पर तरफ जिसका लक्ष्य होता है, तो उससे उसको कर्म का बंधन होता है, इसको हम बंध कहेंगे। तो बंध है, और मोक्ष यानी कि मैंने पर्याय में शुद्धता हुई, और शुद्धता हुई अशुद्धता तरफ मैंने दृष्टि नहीं करी है, तो शुद्धता का प्रकट होना उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष कहो निज शुद्धता, श्रीमद जी ने कहा है निज शुद्धता, अपनी शुद्धता की अनुभूति होना उसका नाम मोक्ष कहा गया है। तो वो पर्याय में होता है, परिणमन में होता है, क्षणिक होता है, एक समय का होता है, बंद एक समय का, मगर दूसरे समय पर भी बंद, तीसरे समय पर भी बंद, ऐसे में अनादि से बंद करता आया हूं। और जब मेरे में शुद्धता की शुरुआत हो जाएगी तो ये समय में शुद्धता, दूसरी समय में शुद्धता, इस तरह से शुद्धता भी प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती जाएगी, मगर एक एक समय में, एक एक ट्रांजिएंट टाइम में बंध और मोक्ष की पर्याय होती है। वो मेरा
क्षणिक स्वरूप है, मैं तो त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य हूं जिसमें कोई बंध की पर्याय नहीं है, मोक्ष की पर्याय नहीं है, इस तरह से जो मैं बोलता हूं और मेरे मेरी एक्शन में तो कषाय भाव रहते हैं, राग द्वेष भाव रहते हैं, क्रोधमान माया का भाव रहता है। अरे आज मुझे, मैं इतना कार्य करता हूं, आप लोगों को मुझे बस मान देने का कुछ ख्याल भी नहीं आता है। अरे तू क्यों मानी है? आज तुझे चल, आज कुछ कुछ किसी ने तुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया तो उससे उससे तेरा क्या हुआ? मान कसा ही बड़ा है ना, तो मान कसा से दूर जाना है। तो राग द्वेष करता है और वाणी में कहता है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, अंतरंग में स्वानुभव नहीं है, राग द्वेष में रहता है और अंतर में स्वानुभव नहीं हुआ है, और निश्चय वाक्य वाक्य से स्वचन से बोलता रहता है। निश्चय के वाक्य आते हैं, आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखधाम बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम, ऐसी आगे गाथा आएगी आत्मसिद्धि में। तो ऐसे निश्चय के वाक्य को तो बोलता है मगर स्वच्छंद से बोलता रहता है। स्वच्छंद मीन्स अपनी अपनी धारणा से जो कुछ तय किया यही सच है, बस ये जो मैं करता हूँ ज्ञान मार्ग पर चलता हूँ वो ही सच्चा है। क्रिया क्या, शरीर की क्रिया करते करते क्या कर रहे हो आप लोग क्या? तो इस तरह से मैं जो क्रिया करता है उसको भी निषेध करता हूँ, और मैं भी अज्ञान में रहकर अनुभूति नहीं हुई है, और ऐसे स्वच्छंदी व्याख्या बोलते 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 मैं भी कर्म बंधन कर रहा हूं। अंतरंग में राग द्वेष ममता और संसार भरा पड़ा है और ज्ञान की बातें करता रहता है। तू जो ज्ञान की बात करता है तो उस तरह से तेरा परिणमन भी अंतरंग में हुआ है? नहीं हुआ है तो तू तेरा ज्ञान फोक है। अंतरंग में तेरे पर राग द्वेष ममता और संसार भरा पड़ा है, पर से मेरा कुछ होगा, पर से मेरा भला होगा, शरीर की क्रिया से, पर की क्रिया से, समाज की मैं क्रिया करूं तो मुझे मान पान मिलेगा, मैं मंदिर में कुछ काम करूं, मंदिर में डोनेशन दे दूं तो मेरा मान कसाय हो जाएगा। तो इस तरह से या तो मैं मंदिर में दान दे दूं तो उसके कर्म के पुण्य कर्म के उदय में मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। इस तरह से जो तू मानता है और ज्ञान की बातें करता है वो तू शुष्क ज्ञानी है, ऐसा कहा। और फर्दर मोर शुष्क, अभी यहाँ पर टाइम खत्म होता है, एक मिनट ज्यादा मैंने ले लिया है, तो कोई प्रश्न होता है तो हम लेते हैं, किसी का प्रश्न हो तो ले लेते हैं, बाद में नेक्स्ट टाइम पर आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपकी तरफ से। चैचिनंद अंकल, मने एक क्वेश्चन छे कि आप जो रिकॉर्डिंग करो छे, रिकॉर्डिंग केवी रीते अवेलेबल, क्यांथी मळे? सो इफ काइक मिस थई गयो होय तो वी कैन लिसन। इट इज ऑन जैन सेंटर ऑफ ग्रेटर फिनिक्स नी चैनल छे, जैन सेंटर ऑफ ग्रेटर फिनिक्स यूट्यूब चैनल। So they are there in the Atma Siddhi section. They are there in Hindi and English, both are there. Okay. Acha. Thank you. Thanks. Anybody else has any questions or suggestions or anything? Kiritha, is it possible to put the link on Mona? We can just give. Oh, definitely. Yeah. I'll send it out to you. Okay. All right. Yeah. Thank you. All right. Maybe not be on the Mona. So if you could send to the email the link through the email, that would be better. No problem. Yeah, Jayajinanda uncle, I think that's what we were also going to say. We also don't know about the link. I don't know what JCGP website is on the uncle. JCGP website, YouTube.com. Uh-huh. Then you put Jain Center of Greater Phoenix and there it will open up the channel, you know. Okay, so it's there. It's our temple now. Okay, I'll take a look. YouTube.com, you have to go first. Got it. Okay, uncle. I'll take a look. Thank you. Thanks. Jai Jinan uncle, it was very, very excellent. Both Saras. Okay.
There are a couple of questions, maybe. One second. Hold, let me just check it out. Okay. Hold it. Can you create? Okay. All right. Yeah. It's there. Playlist here in the somebody said, yeah, there is there any playlist? Yes. Hindi Atma Siddhi is a playlist there in Jain Center of Greater Phoenix. Okay. In on a YouTube. Okay. All right. Then we'll just do the closing. Okay. All right. जिस रूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन् परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखधाम जेने आपने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण माओ वंदन अगणी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ नमो जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र Jai Jinendra, thank you. Uncle, may even on our Zoom na chat ma if there